एस न्यूज। गांव संगुधौन में अपनी माँ बहन और पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर उसे नहर में फेंकने वाले बेटे लवप्रीत सिंह लवी की हवालात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिविल अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार उसे शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। गौरतलब है कि लवप्रीत सिंह को पुलिस ने उसके पिता जलनैल सिंह जेला की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया हुआ था। मृतक जलनैल सिंह के भाइयों के बयानों के आधार पर थाना सदर पुलिस ने जेला की पत्नी बलजीत कौर, बेटे लवप्रीत सिंह, बेटी रमनदीप कौर तथा पुत्रवधु मनप्रीत कौर के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। सोमवार की रात से लापता जलनैल सिंह का अभी तक शव भी बरामद नहीं हो पाया था कि उधर गांव वासियों को पुलिस द्वारा बताई जा रही लवप्रीत की आत्महत्या करने की बात हजम नहीं आ रही। फिलहाल लवप्रीत का शव सिविल अस्पताल की मोलचरी में रखवाया हुआ है। इस संबंध में जब डीएसपी तलविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। एबीपीएस न्यूज के लिए सोनू खेड़ा की एक रिपोर्ट। जिहड़ा विक्टिम है उसकी वाइफ बेटा बेटी के मूँह में मिल के उन्होंने मारता है, मार के नहर सकता है। बेचार एक्यूज से एक अद अरैसट किए थे। इन्होंने जो जो एक्यूज से बेटा विक्टिम है उन्हें कल सुसाइड।